Hello everyone, welcome back. So we were doing different modes of transport under the transport in modern times, and after completing means of transport, then air transport and water transport. Now let's see that how the fuel gets extracted, the fuel which gives energy to all these ways, which is the basis of this transportation system, fuel. क्योंकि कोई भी जो landways है, चाहे वो waterways हैं, चाहे वो airways हैं, कोई भी बिना fuel के नहीं चलते हैं. तो हम fuel के बारे में जानेंगे. And before we proceed further, आपने देखा होगा कि usually जब price इंक्रीज होता है पेट्रोल या डीजल का, तो जो ऑटो और टैक्सी ड्राइवर होते हैं वो ज़्यादा हायर प्राइस डिमांड करते हैं. नॉट ओनली ऑटो एंड टैक्सी ड्राइवर, जो हमारी बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, या फिर हमारे जो क्लोथ्स होते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, या फिर जो हम सामान कन्फेक्शनरी शॉप से ले रहे हैं, हर एक चीज़ का प्राइस ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा रेज कर जाता है. जो प्रिंटेड प्राइस, न्यू प्रिंटेड प्राइस आता है, उसमें भी इंक्रीज हुआ प्राइस आता है. आप देखेंगे कि पेट्रोल का प्राइस या डीजल का प्राइस थोड़ा भी हायर गया तो 1-2-3 रुपीज़ जो है हायर, हर एक कमोडिटी का, हर एक आइटम का प्राइस थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो जाता है. सो क्वेश्चन इज कि व्हाई दिस राइज इन प्राइस टेक्स प्लेस जब पेट्रोल और फ्यूल का, जब फ्यूल का, पेट्रोल और डीजल का प्राइस इंक्रीज होता है. सो see all the time we are worried about increase in the price of petrol and diesel. क्यों हमेशा हमें टेंशन होती है? क्योंकि जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं वो सब पेट्रोल और डीजल पे चलती हैं, एंड इससे जो कमोडिटीज़ होती हैं उनका प्राइस अफेक्ट होता है. हम अगर सिटी में रह रहे हैं तो सिटी में जो वेजिटेबल और फ्रूट्स आ रहे हैं वो विलेजेस से आ रहे हैं, तो वो कैसे आ रहे हैं? वो किसी ना किसी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके फिर हम तक पहुँच रहे हैं. अब वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को ही अगर यूज़ हो रहा है तो उसमें फ्यूल कंज्यूम हो रहा है. फ्यूल का प्राइस क्या हो गया है? रेज हो गया है. तो ऑटोमेटिकली उन कमोडिटीज का भी प्राइस क्या होता है? वो रेज हो जाता है. ओके, सो दिस इज द रीजन कि क्यों जो ऑटो और टैक्सी ड्राइवर होते हैं वो भी हायर फेयर डिमांड करते हैं, क्योंकि फ्यूल का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया है और उनकी गाड़ी तो चलती ही फ्यूल पे है. नाउ वी नीड टू कंट्रोल द यूज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल. See, India has to spend precious foreign exchange on importing fuel. India में बहुत ज़्यादा जो petroleum है इसके reserve नहीं है. Petrol और diesel हमें जो Arabian countries हैं वहाँ से import करना पड़ता है, और जब हम import करते हैं, आप अगर बाहर कहीं जाकर के किसी दूसरी country में जाकर के कुछ buy कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे payment उनकी currency में करना पड़ता है, right? और आपको पता है जैसे dollar है, dollar presently 70+ rupees के इक्विवेलेंट है, तो हमें उतना प्राइस पे करना पड़ता है अगर हमें कुछ भी ऐसी कंट्री से बाय करना है जहाँ पे डॉलर करेंसी है, राइट? सो अरेबियन कंट्रीज में यूजली दिनार यूज़ होता है, या कोई और करेंसी अगर यूज़ होती है जिसका प्राइस हमारे रुपी से हायर है, तो हमें अकॉर्डिंगली उन्हें पेमेंट करनी पड़ती है फॉरेन एक्सचेंज में, राइट? सो जो कि काफ़ी कॉस्टली अफेयर हो जाता है. That's why we must use CNG, that is compressed natural gas, as a fuel. See, it is environment friendly fuel and it is a very clean fuel. The pollution बहुत कम cause करता है, and we must take some other safeguard also, like the vehicle should be serviced and pollution checked at regular interval. अगर आपका engine clean होगा कोई problem नहीं होगी, आपकी vehicle की servicing proper हो रही है, आपकी जो vehicle है वो भी कभी आपको problem नहीं देगी, कहीं पर अटकेगी नहीं, कहीं पर रुकेगी या बंद नहीं होगी अगर उसकी proper servicing होती है, प्लस वो जो पॉल्यूशन है वो भी कम कॉज करेगी. सेकेंडली, वी मस्ट यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ऑल दो राइट नाउ वी आर फेसिंग पेंडेमिक, बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ करें. इससे क्या होगा कि सड़क पर ट्रैफिक भी रिड्यूस होगा, वो लंबी लंबी ट्रैफिक में आपकी गाड़ी स्टार्टेड मोड पे जो पॉल्यूशन कॉज करती है वो भी कॉज नहीं करेगी. सो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो यूज़ करना चाहिए, इससे फ्यूल की कंजम्पशन भी कम हो जाएगी हमारी कंट्री में, एंड
thirdly, to control vehicular pollution and to lead a healthy life, we can also practice carpooling types of things, right? Delhi में जैसे बहुत अच्छे efforts किए थे उन्होंने. First of all, Delhi government ने वहाँ पे CNG implement कर दी थी. सभी vehicles जो है CNG fuel पे ही चलती थी. Secondly, उन्होंने odd और even का system कर दिया था कि एक दिन odd cars चलेंगी, एक दिन even cars चलेंगी. इससे carpooling को encouragement मिला. जिससे carpooling ज़्यादा हुई तो vehicles जो हैं वो सड़कों पे कम आने लगी, ट्रैफिक रिड्यूस हो गया. ट्रैफिक रिड्यूस होने के साथ साथ पोल्यूशन भी रिड्यूस हो गया. और अगर हमारा एनवायरनमेंट क्लीन है तो हम हेल्दियर लाइफ लीड कर सकते हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट इज द फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल वो फ्यूल है जो फॉसिल से बनता है, राइट? सो इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डिकम्पोज्ड रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल. एज यू सी इन दिस इमेज, यहाँ पे ओशियन में 300 टू 400 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ कि जो प्लांट्स और एनिमल्स थे वो दे डाइड एंड दे गॉट बरिड ऑन द ओशियानिक फ्लोर. अगर वो लाइव होंगे तब तो वो बरिड नहीं होंगे, राइट? वो डेड हो गए, उनकी जो डेड बॉडीज थी वो ओशियानिक फ्लोर में यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गई. उसके बाद 50 टू 100 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ, उसके ऊपर काफ़ी सारा ये डेड बॉडीज थी, इनके ऊपर सैंड और सिल्ट की लेयरिंग होती गई ईयर आफ्टर ईयर. और इस तरीके से ये जो है अच्छे से बरीड हो गए. ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स द रिमेन्स वर बरीड डीपर एंड डीपर. द एनॉर्मस हीट एंड प्रेशर टर्न देम इनटू ऑयल एंड गैस. फिर ये जो ऊपर से लेयरिंग होती गई उससे जो प्रेशर एग्जर्ट हुआ और जो टेम्परेचर नीचे रेज हुआ उससे ये जो डेड रिमेन थे ये ऑयल और गैस में कन्वर्ट हो गए. और इस तरीके से यहाँ पे हमें ऑयल और गैस के डिपॉजिट्स मिलना स्टार्ट हो गए. एंड टुडे वी यूज टू ड्रिल डाउन थ्रू द लेयर्स ऑफ सैंड एंड सिल्ट एंड रॉक्स टू रीच द रॉक फॉर्मेशन दैट कंटेन ऑयल एंड गैस डिपॉजिट्स. सो दिस इज हाउ फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म. ओके, नाउ पहले क्या होता था, जो व्हीकल्स होती थी वो स्टीम एनर्जी पे चलती थी. अब स्टीम एनर्जी के लिए वो वाटर को बॉईल करना पड़ता था. वाटर बॉईल करना है तो नीचे हमें कंटिन्यूसली उसको हीट सप्लाई करने के लिए कोल यूज़ करना पड़ता था. काफ़ी कोल यूज़ होता था. इनफैक्ट बांग्लादेश से इंडिया जो है कोल्स की ट्रेन्स आती थी, मालगाड़ी आती थी जिसमें कोल यूज़ किया जाता था. एज़ यू कैन सी इन दिस इमेज ऑल्सो कैसे कोल जो है वो इम्पोर्ट होता था. तो जो बाद में क्या हुआ कि स्टीम इंजन्स को रिप्लेस कर दिया पेट्रोल और डीजल इंजन्स ने, राइट? लेकिन ये जो पेट्रोल और डीजल इंजन्स हैं या जो नेचुरल गैस है, पेट्रोल और डीजल दे आर एक्चुअली फॉसिल फ्यूल्स. तो जो फॉसिल फ्यूल ऑयल हैं, पेट्रोल एंड डीजल या फिर न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारी एनर्जीज जो हैं ये सब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं. नॉन रिन्यूएबल मतलब नॉन का मतलब होता है नो, यानी कि नहीं. री अगेन न्यू एबल मतलब जिन्हें दोबारा आप न्यू नहीं कर सकते, आप इन्हें दोबारा नहीं बना सकते. वंस दे आर यूज्ड यू कांट फॉर्म देम अगेन. एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस इमेज, इट टुक्स 300 टू 400 मिलियन ईयर्स. 300 टू 400 मिलियन ईयर्स अगो अगर कोई एनिमल डाई हुआ है, उसके बाद वो बरिड हुआ है, उसको प्रॉपर हीट और प्रेशर मिला है, तब जा करके वो ऑयल और गैस डिपॉजिट्स बने हैं, राइट? तो हम इन्हें रिन्यू नहीं कर सकते हैं. तो इसलिए हमें इनका यूज़ जो है वो कम से कम करना चाहिए. इनका यूज़ हमें डिक्रीज करना चाहिए. एंड जो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, जैसे सोलर एनर्जी, रोज़ सनराइज होता है, आपके पास सोलर पैनल है तो फिर वो रोज़ ऑटोमेटिकली सनलाइट को ट्रैप करके आपको गर्म पानी या फिर खाना कुक करने में हेल्प करता है, अगर आपके पास सोलर कुकर है, राइट? बायोमास एनर्जी, हम कंपोस्ट वगैरह बनाते हैं. हाइड्रो पावर एनर्जी, हम वाटर यूज़ करते हैं. एक बार पानी नीचे आपने स्पीड से फेंका, आप उसको फिर से मोटर से लिफ्ट करके दोबारा आप उसे फेंक सकते हैं. सो हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ऑल दीज एनर्जीज आर द रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. आप इनको बार बार यूज़ कर सकते हैं, बार बार इन्हें क्रिएट बनाया जा सकता है.
So we must use renewable sources of energy and we must decrease the use of non-renewable sources of energy so that we can conserve the use of fossil fuel. Otherwise, they will disappear from our earth or upcoming jo hamari future generation hai unke liye to ye fossil fuels jo hain ye bhi dinosaur jaise hi honge. Jaise hamare liye dinosaur hai waise hi unke liye ye fossil fuels honge jo sirf images mein pictures mein hi available hoga. Now let's see the story of petrol. Petrol वो fuel जिस पे maximum हमारी vehicles run कर रही हैं और petrol diesel के compare कम pollution cause करता है इसलिए petrol के vehicles को थोड़ा सा encourage भी किया जाता था. Then comes CNG. CNG जो है it is the least pollution causing fuel. तो अब हम CNG को भी encourage कर रहे हैं पर आज हम जानेंगे story of petrol. Petrol की कहानी. So, deep wells are dug in certain areas on the earth to take out petroleum oil. Petroleum oil से ही हम ये सब कुछ जो है ये extract करते हैं. Basically, petrol is a fossil fuel. अभी अभी आपने देखा कि कैसे 300 to 500 million year ago जो है fossil fuel बनना start हुआ था. Similar process से कोई difference नहीं है. Dead sea creatures जो हैं वो buried हो गए oceanic floor में. Once they are buried, उनके ऊपर sand और clay की जो layers है वो settle होना start हुई and later on हाई हीट और प्रेशर ने उनको जो है पेट्रोलियम दैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैसेस में कन्वर्ट कर दिया. एंड देन व्हाट वी डिड हमने एक्सट्रैक्शन मशीन ऊपर से लगाई और उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया. नाउ वंस दे आर एक्सट्रैक्टेड हमने अभी अभी जो एक्सट्रैक्ट किया वो क्या है वो पेट्रोलियम है. दैट इज नॉट एट ऑल पेट्रोल वो पेट्रोलियम है. पेट्रोलियम है. So this is how reservoir rocks है नीचे. यहाँ पे ऑयल और गैस डिपॉजिट्स हैं. ये देखिए ऑयल एंड गैस डिपॉजिट्स हम इस तरीके से ये हमारी अर्थ क्रस्ट है. इसमें से ड्रिलिंग करके जो आपने देखा होगा गैस के वेल्स जो अरेबियन कंट्रीज में हैं ऑयल के वेल्स जो हैं वो इस तरीके से ड्रिल करके हम निकालते हैं. सो वंस द पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वेल्स उसके बाद उसको इस तरीके से आप देख रहे हैं ये ऑयल टैंकर शिप है. शिप में डाल करके इसे और रिफाइनरीज तक लेके जाएगा या फिर लैंड अगर आगे लैंड ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो इस तरीके से रिफाइनरी में जो टैंकर्स होते हैं ट्रक टैंकर्स उनके थ्रू जो है रिफाइनरी फैक्ट्रीज तक जो है इसे ले जाया जाता है. वंस इट रीच देयर तो फिर इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं. पेट्रोलियम से पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इस प्रोसेस का नाम होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस जिसके बारे में आप लेटर ऑन हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. यहाँ पे देखिए इन्होंने क्रूड ऑयल डाला और उसको हाई हीट जो है वो प्रोवाइड की. हाई हीट प्रोवाइड करने के बाद सबसे पहले इसमें से रिफाइनरी गैस निकलती है एट 20 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस पे ये जो गैस निकलती है इसको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं जो हमारी LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है वो. उसके बाद 70 डिग्री सेल्सियस पे पेट्रोल एक्सट्रैक्ट होता है जो कि हम अपने कार्स में यूज़ करते हैं. सबसे लास्ट में जो रह जाता है वो होता है रेजिड्यू जो कि बिचुमन आपने देखा होगा या फिर जिसे आप कोल टार कहते हैं या तार कोल कहते हैं जो सड़कों के ऊपर बिछाया जाता है अपर मोस्ट लेयर. तो वो जो है वो एक्चुअली वो भी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है. वो भी उसी फैमिली का मेंबर है जिस फैमिली में से पेट्रोल निकला है पर वो जो है वो क्या है दैट इज़ अ रेजिड्यू ऑफ दैट. और पेट्रोल तो बहुत पहले निकल आता है तो ये जो पेट्रोल है दिस इज़ हाउ वी गेट पेट्रोल. This was the story of the petrol and उसके बाद इसे फिर से trains में या trucks में डाल करके petrol pumps तक पहुँचाया जाता है. All vehicles have engine. सभी vehicles में engine होती है सभी में fuel use किया जाता है. यह fuel burn होता है तो engine जो है वो energy produce करता है जिससे vehicle जो है वो चलती है राइट. तो इसीलिए जो डिफरेंट टाइप के इंजन है वो डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल यूज़ करता है. अगर आपने आपके घर में डीजल कार है तो उसमें डीजल इंजन होगा और उसमें डीजल एज अ फ्यूल यूज़ होगा. अगर आपके घर पे पेट्रोल कार है तो उसमें पेट्रोल एज अ फ्यूल जलेगा उसमें पेट्रोल इंजन होगा. और अगर आपके आपको आप दिल्ली जा रहे हैं और आपको वहाँ पे CNG किट लगवानी पड़ती है अगर आपने दिल्ली के अंदर अपनी व्हीकल को चलाना है तो आपको उसमें CNG किट अलग से इंस्टॉल करवानी पड़ती है. CNG कंप्रेस नेचुरल गैस की किट लग जाती है जिससे वो जो गाड़ी है वो CNG पे चलना स्टार्ट हो जाती है.
Now, do you know that all means of transport have some advantages and some disadvantages, but the best means of transport are walking and cycling. Now, why walking and cycling? Quite obvious. आपने वो कहावत सुनी होगी, आम की आम गुठलियों के भी दाम. In a similar way, जो वॉकिंग और साइकिलिंग है, ये एक तो आपका फ्यूल बचाती है, तो ये आपकी पॉकेट फ्रेंडली है, आपका पैसा बचा रही है, फ्यूल बचा रही है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बचा रही है, राइट. सेकेंडली, इट कीप्स अस फिट ऑल्सो, ये हमें हेल्दी लाइफ लीड करने में भी हेल्प करती है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. बाय बाय, टेक केयर एवरी वन.